एंड मेरे ऑटो से एकदम टक्कर हुई एंड देन आई फेल. ओके, तो ये लिगामेंट यहाँ से लाइक ऊपर हो गया, पैर पूरा ऊपर हो गया ऐसे को. ओके ओके राइट. फिर उसके बाद से वो अकड़ गया एंड आई कुडंट बी एबल टू मूव और ये वेट भी नहीं ले रहा था देन. ठीक है, बट अभी ठीक है. ओके, तो आप जब गिरे थे उस समय आपको क्या फीलिंग हुई थी कि आप चल पाओगे इस पैर पे या फिर आपको किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा या ऐसा कुछ हुआ? नहीं, वेट ही नहीं ले रहा था टोटली. आई वाज ऑन डिपेंडेंट ऑन दिस लेग, बिल्कुल वेट नहीं. मैंने कंसल्टेड अदर डॉक्टर्स तो उन्होंने क्या बताया इसके लिए? इतने फुलिश, उन्होंने मेरे को सिर्फ एक्सरे के लिए बोला एंड उन्होंने एग्जामिन भी नहीं किया. और एक्सरे में जस्ट बिकॉज हड्डी नहीं टूटी थी, दिस सेड इट इज नॉर्मल. हां ओके. और इवन आफ्टर सीइंग सो मच स्वेल्ड लेग उन्होंने कुछ भी सर, तो उन्होंने को एग्जामिन नहीं किया और आपको बेसिकली बोल दिया कि बिल्कुल नॉर्मल है. हां, व्हिच वाज क्वाइट क्वाइट मिसलीडिंग. फिर आपने आपको फिर आगे कैसे किया आपने? हाउ डिड यू कम टू अस एंड हाउ डिड यू गेट द कंसल्टेशन? एग्जाम्स से मेरे इवेंचुअली एग्जाम्स खत्म होने के बाद डायरेक्टली मैं पहले भी आई थी, हमारे फैमिली सब आपके पास ही आते हैं, देन आई केम अप टू यू. ओके, और आपने बोला कि एमआरआई कराओ. फिर एमआरआई के बाद तो इट वाज सर्जरी ओनली. सो आई एग्जामिनड यू एंड आई टोल्ड दैट इट इज एन एसीएल टियर. हां, एसीएल टियर. एंड देन आई टोल्ड यू फॉर एन एमआरआई. यू वेंट फॉर द एमआरआई, उसमें एसीएल टियर आया. यस राइट. सो हाउ वाज योर ऑपरेशन, लाइक हाउ डिड इट गो थ्रू? डिड यू फील एनी पेन व्हाइल ऑपरेशन? सो यू आर स्केप्टिकल फॉर द ऑपरेशन, कि भाई ऑपरेशन के टाइम पे दर्द? हां. Eventually what happened, जो anesthesia मुझे लग रहा था ना, तो मैंने बोला उन्हें मुझे सब फील हो रहा है. Okay. कहते आपको सब फील हो रहा है? मैंने बोला हाँ. कहते काम करो अपना पैर हिला के दिखाओ. And you were not able to do it. और फिर पैर हिलाई नहीं, because मेरा control ही नहीं था eventually. So pain बिल्कुल नहीं था operation के time पे. नहीं. How is your rehab going? Like how are you feeling now? अभी are you able to walk now? हाँ, अभी तो. Show us how you were walking. हाँ, अभी तो इस पे भी चल पा रही. Okay, just let me show see how your movement is. So, bend your knees, try to bend your knees. Okay, keep it straight and try to lift the leg up. I need little help. Okay, fine. Is it paining? Is it painful? Stitches on you, and that's why. Otherwise it's better. So just show me how you are walking now. Are you now? So, आपका ऑपरेशन परसों हुआ है ना? यस. एंड यू आर एबल टू वॉक नाउ? यस, टोटली. ओके, यानी पकड़िए वॉकर को दोनों हाथ, लेकिन स्टिचेस आर फ्रेश, अदरवाइज इट्स फाइन. ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस. सो यू कॉन्फिडेंट नाउ, यू कैन वॉक, राइट? यू गॉट द नीज बैक, राइट? फाइनली. गुड. कंप्लीट वेट ऑन दिस नी. यस. आराम से उठो. So, what are your questions related to the knee? Tell me. क्या मैं ना सकती हूँ? After stitch removal. मतलब 12 दिन. After 12 days, yes. और. Meanwhile, you have to do the exercises, ice fomentation, बर्फ का सेक करना घर पे. विष्णु जी घर पे आके थेरेपी कराएंगे. हाँ हाँ, head word. 10 से 15 दिन में आपका पूरा मूवमेंट आ जाएगा. And you are already walking. जब आपका स्ट्रेंथ आ जाएगी मसल्स में तो वॉकर भी टूट जाएगा. Right, right. और वेब रेस भी निकल जाएगा. So it is as simple as this. Medicines हम आपको 15 days की advice करेंगे. अभी तो 7 days की देंगे. 7 days की medicine के बाद आपको फिर 7 days की medicine और लेनी है. तो 15 days की medicine के बाद medicine के बंद हो जाएंगे. Right, ठीक है. और बस लास्ट और एक चीज पूछनी थी मेरे को कि अभी ज्यादा कुछ कहीं नहीं जा सकते, कुछ नहीं जाना. अभी bed rest मेरा कब तक है? You want to go somewhere also तो आपको ये brace पहन के जाना है. If you want to go to a mall, you can go to the mall. हाँ, मतलब एक महीने तक. नहीं, you can go right now because घर में बैठे-बैठे आप बोर हो जाओगे. So you can travel, you can go around, move around with this brace. So this will keep your knee safe and बाकी कोई दिक्कत नहीं है. तो अभी वैसे मेरे को rest मतलब कितना? Rest कुछ नहीं है. Whatever you are doing in the hospital right now is your routine now. चलना, फिरना, खाना, घूमना, फिरना, बातें करना, बाहर जाना, पट्टे पहन के आप गाड़ी में बैठ के जाओ आराम से, as comfortable as that. Done. Anything else? Clear. Fine. Thank you. Thank you. Riksha, we wish you all the best and see you again.